स्वागत है आपका UndoRobots के चैनल में। अब जॉन बनेंगे सरफरोश के एसीपी अजय सिंह राठौड़। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सरफरोश 2 बनने वाली है जिसमें जॉन लीड रोल निभाएंगे। इस फिल्म में वो ओरिजिनल फिल्म सरफरोश का कैरेक्टर एसीपी अजय सिंह राठौड़ का किरदार निभाएंगे, जो इससे पहले आमिर खान ने बखूबी निभाया था। एसीपी अजय सिंह राठौड़ आमिर खान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है। इस कैरेक्टर में अपना ही एक नेचुरल चार्म था। सरफरोश 1999 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने आमिर खान का इमेज चेंज कर दिया। इस फिल्म ने उन्हें एक चॉकलेट हीरो से एक कैरेक्टर ड्रिवन हीरो बना दिया। स्पेशली वो फिल्म का डायलॉग, पैसे के खातिर अपने देश को बेचने चला था हराम सादा, काफी पॉपुलर हुआ। इस सीन में आमिर काफी नेचुरल लग रहे थे और ये सीन काफी लोगों को शॉकिंग भी लगा, क्योंकि आमिर खान ऑन स्क्रीन गालियां नहीं देते। अब खबरों की माने तो इस फिल्म के सीक्वल में डायरेक्टर जॉन अब्राहम को आमिर से रिप्लेस करने जा रहे हैं। इससे पहले खबर ये भी आ रही थी कि शायद आमिर खान ये रोल करेंगे, पर हाल ही में आई खबरों के अनुसार जॉन मथान, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इस फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनल रूप देने के कगार पर है। फिल्म की कहानी भारत में नक्सल की गतिविधियों के ऊपर आधारित होगी। ये भी कहा जा रहा है कि सरफरोश फिल्म जहां खत्म हुई थी, इस फिल्म की शुरुआत वहीं से होगी। ओरिजिनल फिल्म सरफरोश में आमिर खान, जिन्होंने एसीपी अजय सिंह राठौड़ का किरदार निभाया था, उनका मिशन था गैंग्स को पकड़ना जो इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में। फिल्म के डायरेक्टर मथान ने ये भी कहा है कि उन्होंने अब तक इस फिल्म के लीड एक्टर को फाइनलाइज नहीं किया है, पर उनका स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है। उनका ये कहना है कि हम स्क्रिप्ट फाइनलाइज कर रहे हैं, हम इस फिल्म के लीड रोल के लिए कुछ एक्टर से बातचीत कर रहे हैं, पर कोई भी अब तक फाइनल नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि फाइनली सरफरोश 2 में एक्टिंग कौन करेगा। ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा कि आमिर और जॉन दोनों ही साथ दिखे एसीपी के किरदार में, क्योंकि इंडिया में एक ही एसीपी नहीं होता, एक से ज्यादा भी होते हैं। दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग आइडिया? क्यों, आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आशा करते हैं कि एक्टर जो भी हो, फिल्म जब आए ऑडियंस का मनोरंजन करे और बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट हो। अपना ख्याल रखना। अलविदा कहते हुए इस वादे के साथ कि जल्द ही हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।